पौष्टिक आहार प्रदान करने कार्यक्रम का हुआ शुरुआत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य को कुपोषण मुक्त कराने राज्य कार्यक्रम प्रारंभ की है। इसी के आगाज में मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक अंतर्गत लोरमी वन परिक्षेत्र के 16 बैगा बाहुल्य ग्राम पंचायतों की एनीमिक पीड़ित महिलाओं को पौष्टिक आहार प्रतिदिन दी जाएगी। कलेक्टर अजीत वसंत ने आज कलेक्ट्रेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में मुख्यमंत्री कुपोषण अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने एनीमिक पीड़ित महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर वसंत ने कहा कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने तथा एनीमिक पीड़ित वाली महिलाओं को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाने के लिए लगातार समर्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हित विकास खंड लोरमी के 16 ग्राम पंचायतों के एनीमिक पीड़ित महिलाओं को प्रतिदिन पौष्टिक आहार देने के निर्देश दिए। इसी तारतम्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिलाषा बेहार ने कहा, लोरमी के 16 ग्राम पंचायतों के एनीमिक पीड़ित महिलाओं को पौष्टिक आहार प्रदान करने कार्यक्रम का आज शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हित इन ग्राम पंचायत में एनीमिक पीड़ित महिलाओं को चावल, दाल, दो सब्जी, अचार, सलाद, पापड़, गुड़ दी गई है। इनमें ग्राम पंचायत पेंड्री तालाब, झिरिया, अचान कमार, छपरवा, परसवारा, ढोलगी, कोसाबाड़ी, लमनी, निवास खार, कटामी, खुड़िया, कारी डोंगरी, सुरही, बोईराहा, जिब्रा कछार और ग्राम पंचायत महामाई शामिल है। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।